झाड़ू फुदकती है। वेन्यू वाटरफॉल का बीच में बना हुआ ब्रिज, छोटा सा जो लोहे का ब्रिज तगड़ा वाला, और एक मस्त व्यू मिलेगा यहाँ से। यहाँ पर है ना शेर, बब्बर शेर वगैरह बहुत ज्यादा घूमते हैं, मतलब बिपटिया वगैरह ऐसा कुछ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुदखेल, एक ऐसा विलेज जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे लेक साइड कैंपिंग की थी। मुदखेल अराउंड भंडारदारा से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो पीछे साइड दिखाई दे रहा है ना वो मेरी कैंपिंग हो रखी है। यहाँ पर मैं रुका हूँ। वेल, लास्ट टाइम मैंने लेक साइड कैंपिंग की थी, और इस टाइम मैंने शेड के अंदर कैंपिंग की बिकॉज ऑफ बारिश। रात को बहुत भयानक बारिश हुई है, और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है कुछ 8:05, और ये जो है मेरा बैग वगैरह पड़े है यहाँ पे सब कुछ टेबल के ऊपर, और ये मेरी कैंपिंग साइड, और कैंपिंग के एग्जैक्ट सामने कुछ नज़ारे ऐसे, सब पूरी खेती बाड़ी यहाँ पर। वेल, जहाँ पर मैं रुका हूँ ना यहाँ पर, ये अपना जो लास्ट टाइम मैंने नैनेश्वर भाई ने लेक साइड कैंपिंग मुझे कराई थी, उनके घर के एकदम करीब, मतलब बाजू के अंदर ही उनका घर है। वेल, आने के टाइमिंग के अंदर कल जब मैं आया था तब इतना नेटवर्क मिल नहीं रहा था मुझे जियो का, बट जैसे मैं ऊपर की तरफ आया जहाँ पर एंट्री गेट है, जहाँ पर उन लोगों का वो जो वेज लगाई एंट्री गेट लगा है, वहाँ पर रेंज आ गई थी मुझे जियो की। तो मुझे कॉल करके मैं इनको बोला, तो उनका बोलना ये है कि भाई अभी रेनी सीजन चल रहा है, लेक साइड कैंपिंग नहीं कराते बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बस हम लोग रात को घूमने के लिए गए थे क्योंकि यहाँ पर फेमस है अजवा फेस्टिवल, काजवा फेस्टिवल मतलब फेयर फाइल्स फेस्टिवल जिसे हम जुगनू बोलते हैं। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना जुगनू इतने दिखाई नहीं दिए, उतने मतलब काजवा दिखाई नहीं दिए, बिकॉज अगर आपको जुगनू फेस्टिवल करना है, काजवा फेस्टिवल करना है, तो मानसून के कम से कम एक हफ्ता पहले आपका आना, मतलब जून स्टार्ट होने के पहले वीक में या दूसरे वीक में। मैं तो दूसरी वीक में आया फिर भी यहाँ पर बारिश हो गई, और रात को जो बारिश गिरी ना भाई साहब, मेरे को तो नींद ही नहीं आई डायरेक्टली। मतलब ये जो दिखाई दे रहे ना आपको, ये शेड वगैरह यहाँ पर पूरा लगा है, और सेम एज इट इज़ मेरी आँखों के सामने जो नीचे लेक दिखाई दे रही ना आपको, वहाँ पर उस अंदर नीचे है ना वहाँ पर डायरेक्टली कैंपिंग हो रखी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई रात को इतनी खतरनाक बारिश होने की वजह से वो लोग कैसे रह रहे होंगे उसके अंदर। वेल, ये जो कैंपिंग वाला जो सिस्टम है ना, ये मेरे लिए नया, लास्ट में मैंने वो किया था और ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मैं भी पता नहीं उन लोगों ने कैसा सीन किया होगा, क्या किया होगा बारिश के अंदर, उन लोगों ने कैसे रुके होंगे। और भाई यहाँ पे ना अगर आप कैंपिंग करने के लिए आ रहे हो तो भाई साथ में ओडोमोस लेकर आना, बिकॉज मच्छर है ना बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ते डायरेक्टली, क्योंकि सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता, सब मिल जाता आपको, मच्छर को आप क्या कर सकते हैं। तो ये जंगल इलाका है और जंगल के अंदर मच्छर आने ही वाले, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ओडोमोस साथ में लेकर आना। और यहाँ पे की नज़ारे कुछ ऐसे ही कि सामने की तरफ ये पूरा जामुन का झाड़ है, उसके बाद में ये भी जामुन का झाड़ है। रात को मैं जब सामने से देख रहा था ना, तो इस जामुन के झाड़ों के अंदर भी ना काजवा दिखाई दे रहे थे मुझे जुगनू। अब देखते फटाफट फ्रेश होते और निकलते। तो अभी मैं मस्त फ्रेश हो गया, और यहाँ पर मेरे साथ में है नैनेश्वर भाई, जो कि यहाँ पे सारे अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ ये देखते। मुदखेल में ये प्रॉपर है। वेल, नैनेश्वर भाई यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइमिंग आने का क्या है, मतलब अगर मुझे अच्छे से कैंपिंग वगैरह करनी है, सारे सीनरी वगैरह कैप्चर करने, तो कौन सा टाइम पे आना चाहिए? मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी, और ठंड के मौसम के अंदर, ठंड के मौसम, बारिश के मौसम के खाली वन डे रिटर्न जाने का। मतलब जो अभी जो सिस्टम चल रहा है जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, इसके अंदर मतलब जब तक बारिश चलती रहती तब वो टाइमिंग के अंदर ये लेक साइड कैंपिंग नहीं कराते। लेक साइड कैंपिंग करने के पीछे इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस टाइमिंग के अंदर सब कुछ अरेंजमेंट होता नहीं है। ऐसे में जहाँ पे रुका हूँ ना शेड के अंदर, तो वहाँ पर ऐसे कराते हैं। और जब आपको मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ करना है नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये टाइमिंग के अंदर ठंड का मौसम रहता है, उस टाइमिंग के अंदर बहुत अच्छे से कैंपिंग होती है और सब कुछ कवर करते हैं। वेल, आपका लास्ट टाइम मैंने तो किया था तो बहुत अच्छे से मतलब कैंपिंग हुई थी, पर मैक्सिमम आपका स्टार्टिंग कहाँ से होता है जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, आपका चार्जेस कितने होते हैं? 1200 रुपये पर पर्सन। उसके अंदर खाना पीना वगैरह सब कुछ आ जाता है? खाना, बारबेक्यू, दो टाइम चाय, नाश्ता और बोटिंग वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। कैंप फायर वगैरह, मतलब लास्ट टाइम जो किया था मैंने सारे एज इट इज़ आते से मुझे क्या मतलब बोट वगैरह मिल गई थी, बोट के अंदर उन्होंने मस्त शेयर कराई, और उसके बाद में मतलब रात का खाना जो आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए अनलिमिटेड मिलता है या नॉर्मल होता है? अनलिमिटेड इनका होता है 1200 रुपये के अंदर। अभी जो सीन दिखा रहे थे बोले भाई, पपई वगैरह सब कुछ पीकी वगैरह ये, और सामने की तरफ वो ज़बरदस्त नज़ारे। अभी भूख लगी है भाई, मस्त नाश्ता करते। चाय और नाश्ता आ गया, यहाँ पे रख दो। चाय की चुस्की सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर। चाय बहुत मस्त है, लास्ट टाइम भी वही चाय बहुत मस्त बनाई थी, अभी भी याद है मुझे। और यहाँ पर हमारा पोहे,
पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब स्पेशली उसके अंदर जब ये शेंगदानी डाली होते हैं ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते ये पोहे। चलो फटाफट बिस्मिल्लाह करते और नाश्ता करते हैं। चले तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 9:28। मैं और नानेश्वर भाई आपको अभी मुदखेल घुमाएंगे, बिकॉज मेरा निकलने का जो प्लान है थोड़ा सा मैंने पोस्टपोन किया है। सोचा कि थोड़ा सा घूम लेता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे रेनी सीजन के अंदर आना है। यहाँ पे 2-3 वाटरफॉल बड़े बड़े है, बाहुबली वाटरफॉल और कौन सा वाटरफॉल था, वसुंधरा नानी नेकलेस, ऐसे 3-4 वाटरफॉल है जो कि इसके अंदर मतलब रेनी सीजन के अंदर जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना वो टाइमिंग के अंदर वो तगड़े वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये है नानेश्वर भाई का घर, तो अगर जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना नानेश्वर भाई नहीं मिले ना, क्योंकि यहाँ पे रेंज का बहुत गंदा वाला प्रॉब्लम है, तो अगर रेंज नहीं मिले तो यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते। ये साइड से नीचे उतरने के लिए रास्ता है और यहाँ पर अपनी बाइक है। बाइक आप चलाएंगे कि मैं चलाऊँ? चलाओ आप भी। चले निकल गए हम बाहर। काल सारखं पडून जाईल आपण खाली परत ऊपर देख रहे हो ना भाई अपे बंदर है सारे एक साथ में। फिर कल रात को हम लोग जब फेस्टिवल देखने के लिए आए थे ना, तो यहाँ से गए थे ऊपर। ये जो ऊपर जाने के लिए रास्ता है ना, यहाँ से आने के लिए, और यहाँ से आने के लिए रात को है ना अंधेरा होने की वजह से हम दोनों यहाँ पे गिर गए थे नीचे। नानेश्वर भाई नानेश्वर भाई की ना सारे इन डिटेल मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी, उनका नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो अगर आपको कैंप वगैरह बुक करवाना रहेगा तो इसके अंदर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रात को हम लोग यहाँ पर आए थे, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर गए थे। बीच में रास्ते तक हम लोग ने बाइक लेकर गई, और यहाँ की जो मिट्टी है ना वो ऐसी लाल मिट्टी, तो जिसके ऊपर है ना बाइक चलती नहीं। फिर भी हम लोग रात के अंदर कौन से नशे के अंदर थे पता नहीं, हम लोग ने बाइक हाथ तक लगा ली ऊपर। रात को बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, और अभी थोड़ा सा स्लोली स्लोली करके सुबह मॉर्निंग के अंदर सारे लोग निकल रहे। और अभी तो फेस्टिवल पूरा खत्म हो गया ना? हो पूरा खत्म हो गया, अभी कुछ एक कुछ भी दिखाई नहीं दिखेगा। तो जैसे मतलब रेनी सीजन स्टार्ट होता ना, तो उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब आपको फेस्टिवल के अंदर ये जो काजवा फेस्टिवल है जुगनू वाला, तो वो दिखाई नहीं देगा। पर जो मेन सोर्स होता है इस रास्ते से आने की टाइमिंग के अंदर, बीच में आपको लेफ्ट साइड के अंदर जाने के लिए ऊपर रास्ता है, और अंदर गए ना थोड़ा सा और 100 मीटर की दूरी के ऊपर ही बीच में एक छोटा सा स्पॉट बना के रखा है। बीच में थोड़ा सा छोटा सा एरिया है, और वहाँ पे खड़े रहना तो पूरा ऐसे आपको चारों जगह से ऐसे पूरा फेस्टिवल मतलब वो सारे उसको जुगनू जो फुदकते फिरते हैं उनके पिछवाड़े के अंदर ना ऐसी लाइट जलती रहती है, और इधर से उधर वो झाड़ से ही झाड़ फुदकते फिरते इधर से उधर। तो चले आगे चलते फिर अभी। बोले यहाँ के मौसम है ना बहुत तगड़े हो चुके हैं, एकदम ज़बरदस्त, एकदम मज़ा आ रहा है डायरेक्टली। और रास्ते वगैरह देख रहे हो मतलब पूरा गीला, रात को बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। गाइस लास्ट टाइम में जब मैं एक साइड कैंपिंग करने के लिए आया था, तो जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ ना यहाँ पर तो पूरा पानी था पूरे साइड में, मतलब यहाँ पे पूरा पानी ही पानी था, वहाँ पर पानी दिखाई दे रहा। और लास्ट टाइम में जब मैं रुका था ना, तो जो सामने दिखाई दे रहा आपको जहाँ पे लोग दिखाई दे रहे उस टाइमिंग के अंदर वहाँ पर मैंने अपना कैंप लगाया था, और जो ये पत्थर दिखाई दे रहे ना वहाँ से पानी था। मतलब गर्मी के अंदर देखे हो कि मतलब कितना ज़्यादा मतलब पानी सूख चुका है यहाँ पर सब जगह में, मतलब नहीं कि ये पूरा खड़क लग गया है, यहाँ पे पूरा पानी था। मतलब मैंने स्विम किया था गोप्रो से, डायरेक्टली मेरा शूट किया था, और सामने की तरफ से ये खूबसूरत से पहाड़ बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। अभी मतलब जब बारिश कंटिन्यू चलेंगे 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में पूरा पानी भर जाएगा ना यहाँ पर, तो वो टाइमिंग के अंदर अलग ही मजे लेंगे। सामने की तरफ इतना ही बस पानी बचा है, वहाँ पर जाकर चेक करते हैं पानी कैसा क्या है, फिर उसके बाद में फिर अंदर की तरफ निकलेंगे। जाने का वहाँ पे कि फिर डायरेक्ट वाटरफॉल की तरफ, एक छोटा सा एक जगह पर देखेंगे जाके अगर वाटरफॉल का पानी वगैरह, फिर उसके बाद फिर निकल जाएंगे। उधर जाने का कि नहीं जाने का? इधर जाने का कोई मतलब ही ना। चले फिर कोई नहीं, सामने की तरफ से दिखाई दे रहा ना ये पानी है, वैसे भी नहर है। और हम लोग अभी चलेंगे एक जगह पे जहाँ पे आपको वाटरफॉल दिखाई देगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान बनेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पर आऊँगा वाटरफॉल के लिए। वेल गाइस अभी हम जहाँ पे थे ना वो प्रॉपर मुदखेल था, मुदखेल विलेज। अभी मुदखेल विलेज से हम लोग अभी बाहर निकले, और ये आगे की तरफ जा रहे हैं, और सामने की तरफ के पहाड़ देख रहे हो कितने सारे हैं, पब्लिक बहुत है, मतलब टूरिस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पे। मतलब ये एक ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पे बहुत मतलब नहीं कि आप लोग को ग्रीनरी वगैरह नेचर वगैरह बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वाटरफॉल है, जुगनू है, काजवा फेस्टिवल है, और ये ऐसे खूबसूरत से पहाड़ है। उसके बाद में मतलब ये बारिश वगैरह और यहाँ का मौसम, भाई साहब मौसम तो यार क्या कहने मौसम के, ज़बरदस्त मजा आता। वेल यहाँ पर आओगे ना तो सबसे पहले लोकल पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से नानेश्वर भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बंदा लोकल है यहाँ का, सब कुछ पता है। और अभी मुझे लेके चल रहा है वो वाटरफॉल की तरफ। सूखा वाटरफॉल देखने के पीछे रीज़न ये है कि भाई सूखे में कैसा दिखता है, और बाद में जब नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूँगा आने का तब कैसे दिखाई देगा, अभी तो ये दिखाई देंगे कैसा दिख रहा है।
चले तो ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग और एक अच्छे रास्ते के बाद में हम लोग वैनी वाटरफॉल पहुंच गए। वैसे बीच में आने के टाइमिंग के अंदर एक वसुधरा वाटरफॉल भी लगा था और एक निसर्ग वाटरफॉल भी लगा था, और दोनों भी बहुत छोटे हैं। और ये जो वैनी वाटरफॉल है ना, ये वो तगड़ा वाला है कालबेट, और यहाँ से जाने के लिए ऊपर रास्ता है। वैसे सामने की तरफ छोटा सा ब्रिज है, बाइक लगाने के लिए कार पार्किंग करने के लिए भी जगह है, और उसके बाद में चढ़ने के लिए ऐसे स्टेयर्स दिए है। वैसे अगर आपकी बाइक तगड़ी होंगी, अच्छी वाली होंगी ना, तो फिर लेके आना भाई साहब। बीच में बहुत तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग है और बहुत गंदी है, अगर टायर वगैरह कभी पंचर होता है ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक ही नहीं है पब्लिक भाई। यह है वैनी वाटरफॉल का बीच में बना हुआ ब्रिज, छोटा सा जो लोहे का ब्रिज तगड़ा वाला, और एक मस्त व्यू मिलेगा यहाँ से। अभी ये फिलहाल में इतना एक्टिव है नहीं, जो सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा पानी चालू है, बट जब फुल रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो टाइमिंग के अंदर यार क्या ही मज़े होंगे यहाँ पे। मतलब बहुत सही और अच्छा बना है। सामने की तरफ भाई ये देखो अपने नैनेश्वर भाई, और यहाँ पर मैं, बहुत सही है यार। मतलब अगर बारिश के दिनों के अंदर यहाँ पर आते हो ना, तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा डायरेक्टली। मतलब फॉरेस्ट वे पूरा, सब जगह पे ग्रीन ग्रीन, तगड़ा वाला सीन है। और ये सामने की तरफ देखो, मतलब दोनों साइड से आने के लिए रास्ता है, इस साइड से भी आने के लिए रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी रास्ता, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है और ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है। चले तो यहाँ से जाने के लिए रास्ता है ऊपर की तरफ, और ये सामने की तरफ एक छोटा सा वाटरफॉल भी थोड़ा सा चल रहा है। जब बहुत ज़्यादा तगड़ा सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इस साइड से बहुत ज़्यादा पानी बहते रहेंगे, और यहाँ से जाने के लिए एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से स्टेयर्स बनाए, एकदम प्रॉपर तरीके से, ऑफ रोडिंग इतनी नहीं है, तगड़ी स्टेयर्स बनाए। और यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पर प्रेमियों के जोड़ों ने बहुत ज़्यादा अपनी क्या बोलते इसको ये किया है, क्या क्या लिखा है, किरण, मोहित, अली, जुन्नार, एसके, और कौन है, सोमनाथ भाई, सविता, भाभी, चेतन, चंदू, और यहाँ पे वैसे मतलब क्या ही सीन बनेंगे यार यहाँ पर। मतलब फुल जब स्टार्ट हो जाएगा ना ये वाटरफॉल, तो बहुत तगड़ा वाला सीन लगेगा यहाँ पे। मतलब बहुत खूबसूरत सा एकदम सीन निकल कर आएगा। वेल थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करते और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे। तो वेल अगर आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वैसे मैं स्क्रीन के ऊपर ब्लश भी हो रहा हूँ, कर सकते फॉलो। हाँ हाँ हाँ, तगड़ा वाला सीन है। सामने की तरफ खूबसूरत से पहाड़, और ये जिसकी बात कर रहा था ना मैं, सही वाला ब्रिज बनाया है यार। मतलब यहाँ पे आने के अंदर पैसा वसूल है। आने के टाइमिंग के अंदर मैं वो साइड से आया था, उस स्टेयर्स की तरफ से, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टेयर्स बनाकर रखे। और इस साइड जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पर थोड़ा सा रॉक क्लाइंबिंग है, मतलब वन साइड अच्छे से काम किया है और सेकेंड साइड कुछ ऐसे। वेल मैं दोनों साइड के मज़े लिया हूँ, मतलब एक साइड से मैं अच्छी जगह से भी चढ़ कर आया, और दूसरी जगह पर अभी ये रॉक क्लाइंबिंग के साइड से थोड़ा सा छोटा सा ट्रेक है जो नीचे की तरफ है, वहाँ से भी जा रहा हूँ। मतलब इतना ही पैच सिर्फ बनाया नहीं है, बाकी वो साइड से बनाया एकदम अच्छे से, पब्लिक जाते भी वहाँ से और आती भी अच्छे से। छोटा सा ही है, मतलब यहाँ से लगे आपको अच्छे से स्टेयर्स लग जाएंगी। इस साइड से भी थोड़ा सा, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेकिंग करना है तो इस साइड से आओ, नहीं तो फिर ये अच्छे वाले स्टेयर्स बना के रखे। और छोटा सा ये नॉर्मल फेज है, मतलब अभी ये थोड़ा सा बन भी जाएगा आगे चल के। ये रहा लास्ट रुक, ये जो ब्रिज है, ब्रिज के पास में यहाँ पे आपको बाइक वगैरह लगाने के लिए सब कुछ जगह मिल जाएंगी पार्किंग के लिए। सामने की तरफ वैनी वाटरफॉल है, जो कि जूम करने का कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से गीता हुआ पानी, और सामने की तरफ वैनी वाटरफॉल, वाणिज्य जीवन विभाग नासिक, वन क्षेत्र भंडारदारा, वन जीव। वेल यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, और यहाँ पर जाने के लिए मतलब वॉशरूम वगैरह भी अच्छे से बनाए, मतलब फैसिलिटी एकदम ओपी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ता थोड़ा ख़राब है रास्ता, बस बाकी सब ठीक है। सामने की तरफ से आपको और दिखाई देंगे स्टॉल्स वगैरह। मतलब ये जब वैनी वाटरफॉल जब फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा ना, वो टाइमिंग के अंदर यहाँ के सीन कुछ और ही होंगे। फिर ये कुछ वैनी वाटरफॉल की लास्ट लुक्स, और यहाँ पर मैंने अपनी बाइक लगाई थी, और नैनेश्वर भाई अपनी बाइक निकल रही है अभी यहाँ से, अभी निकलेंगे सीधा यहाँ से सीधा घर की तरफ। अरे जल्दी चलो भाई, हमें पनवेल निकलना है। चले तो फिर हम पहुँच गए वाटरफॉल वगैरह सब कुछ घूमकर। और इनका कुत्ता, इसका ये देख रहे हो सीन भाई, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सब कुछ लगाया हुआ है। वैसे इसको कुछ होता नहीं इससे, पर ये इसकी सेफ्टी के लिए लगा कर रखा है, बिकॉज यहाँ पर है ना शेर, बब्बर शेर वगैरह बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मतलब बिपटिया वगैरह ऐसा कुछ, तो इसलिए जब भी मतलब उसको पकड़ेंगे तो उसको लग जाएगा डायरेक्टली। ये जो दिखाई दे रहे ना आपको पास से, बता देने मुझे ये, तो मतलब जैसे उसको खाने के लिए आएगा तो उस टाइमिंग के अंदर उसके मुँह को लगेंगे ना, तो इसलिए ये लगा के रखा है। बहुत काटेदार है मतलब ये, तो मेरे को क्यों काट रहा पागल, चुपता ही खतरनाक। चले ओह
मेरे को लग गया। वेल गाइस, जो ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना पौधे पे, जो झाड़ पे चढ़ रहे वो जामुड़ का झाड़ है। अभी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो पता नहीं अपने को, क्योंकि मैं दोपहर तक ही स्कूल में गया था। और दूसरी बात ये क्या, जामुड़ के बाद में उसको हम हिंदी में जामुन बोलते हैं। तो ब्लैक कलर के आते कुछ, और खाने के लिए ना थोड़ा सा मतलब उनका अजीब फ्लेवर होता है। ये आ गए भैया हमारे जामुन, ये आ गए जामुन, इसके ऊपर लगे देखो ब्लैक कलर्स में। वैसे भी इनका साइज है ना थोड़ा छोटा है, जब इसका प्रॉपर सीजन स्टार्ट हो जाएगा ना वो टाइमिंग के अंदर बहुत अच्छी दिखाई देंगे। तो ये कुछ जामुन ऐसे दिखाई देते हैं, खाने के लिए कुछ अलग ही लगते हैं, इनका टेस्ट ही बहुत अलग है। थोड़ा मीठा मीठा, थोड़ा खट्टा, अच्छा टेस्ट है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये करवंदे जामुन के टाइप ही दिखाई देते हैं, पर इनका मतलब टेस्ट अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा मीठे लग रहे हैं, और साथ में ये गुठली आम, जो गाँवटी आम होते हैं ऑर्गेनिक आम, और ये जो नैनेश्वर भाई निकाल रहे हैं ना वो करवंदे ब्लैक कलर के। मतलब इसके अंदर दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, पर करवंदे थोड़े से मतलब मैट कलर होता है करवंदों का, और ये डार्क कलर होता है, जेड डार्क। और साथ में ये पपई, वैसे तीनों भी है ना जंगली फल है, तो ऐसे मतलब नहीं कि जंगल टाइप में ऐसी जगह पे उगते है ना। इसको रान मेवा बोलते हैं, रान मेवा मराठी में। चले तो अभी टाइमर है कुछ 12:20। मैंने टी शर्ट पहना था, टी शर्ट निकाल कर ऑफिस व्हाइट फुल टी शर्ट पहन लिया बिकॉज मुझे एल्बो गार्ड लगाने थे। और ये अपना फोन, तो निकलते हैं। ओके डन है, बाइक घुमा लेता हूँ मैं सीधा इसको। चला यो मैंने चले भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, निकल दे यहाँ से। निकल गए हम बाहर। अब यहाँ से हम लोग का डेस्टिनेशन है सीधा नासिक, और नासिक से घर। ऑलमोस्ट 2 के टाइमिंग के अंदर मैं बाहर निकल गया, और अभी ये लग गया मुझे NH3 हाईवे, मुंबई आगरा हाईवे। यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है, और ऑलमोस्ट यहाँ से मे बी 60-70 किलोमीटर्स होगा मुझे मेरा गांव। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:56, ऑलमोस्ट मैं 3:30 के टाइमिंग के अंदर पहुंच गया था। डायरेक्ट घर भी नहीं गया, जितने गार्ड्स वगैरह मैंने लगाए थे बॉडी के ऊपर सारे निकाल कर वहाँ पर रख दिए, क्योंकि मैं पूरा शॉप में रख देता हूँ मेरे जितने भी गार्ड्स वगैरह थे। और फाइनली हमारी प्री मानसून की बाइक राइड यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैंने गोल बनाकर रखे, तो ये रहा मेरे प्री मानसून का बाइक राइड कंप्लीट, मानसून बाइक राइड कंप्लीट, मिनिमम 100 किलोमीटर्स। और भाई मिनिमम 100 किलोमीटर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और फर्स्ट राइड कंप्लीट होती है। इसके बाद में बहुत सारे मतलब गोल्स वगैरह बना के रखे हैं। 2021 बाइक राइड सोलो प्लान हमेशा, केरला गोवा स्पीति वैली लेह लद्दाख, आई क्रॉस दिस ईयर 100K यूट्यूब सब्सक्राइबर। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा मेन के अंदर क्या लिख के रखे, ऑलवेज प्लान सोलो ट्रिप, बिकॉज जो हम ऐसा ग्रुप में जो ट्रिप बनाते हैं ना भाई साहब, वो हमेशा कैंसिल होती है। तो उससे बेहतर है कि यार सीधा सीधा सोलो ट्रिप बनाओ, या एक बंदा साथ में लो, इसके अलावा ज़्यादा नहीं। तो फाइनली मैं पहुंच गया था घर पे, तो घर पे नहीं मतलब डायरेक्ट शॉप में आ गया, यहाँ से सीधा घर पे आऊँगा। पहले तो मतलब बहुत तगड़ी वाली भूख लगी, तो थोड़ा सा लस्सी वगैरह पी तो थोड़ा शांति लेंगे, फिर निकलेंगे आराम से। तो फिर अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ओवर एंड आउट।